interconnection structure for multiprocessor systems is crossbar connection system. Here also we divide memory into multiple memory modules, but to decrease the number of cable connections of multiport memory interconnection, here crossbar switches are used. So multiport memory इंटरकनेक्शन का क्या ड्रॉबैक था कि उसमें बहुत सारी केबल्स यूज हो रही थी, तो उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, क्रॉसबार स्विचेस का यूज किया गया है. तो यहाँ पर क्या है, एम सीपीयूज हैं और एन मेमोरी मॉड्यूल्स हैं. अब सीपीयूज जो है मेमोरी मॉड्यूल से कनेक्ट करने के लिए बीच में ये स्विच, क्रॉसबार स्विच लगे हुए हैं, ये सारे क्रॉसबार स्विच हैं. ठीक है, तो ये क्रॉसबार स्विच जो है ये इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करेगा सीपीयू को मेमोरी मॉड्यूल से. तो वो डिसाइड करेगा कि किस सीपीयू का डेटा जो है मेमोरी से, कौन सा सीपीयू जो है मेमोरी मॉड्यूल से कम्युनिकेट करेगा. दिस कनेक्शन अलाउज साइमल्टेनियस एक्सेस ऑफ एन प्रोसेसर्स टू एन मेमोरीज प्रोवाइडेड दैट ईच प्रोसेसर एक्सेस अ डिफरेंट मेमोरी. तो यहाँ पर भी मल्टीपोर्ट मेमोरी की तरह ही हो रहा है कि एट अ टाइम जो है मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं मल्टीपल मेमोरीज को, मल्टीपल डिफरेंट मेमोरीज को एक्सेस कर सकते हैं. डिफरेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक टाइम में सेम मेमोरी मॉड्यूल को दो सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर सपोज करो हर प्रोसेसर को अलग अलग मेमोरी से कम्युनिकेट करना है, तो सारे के सारे प्रोसेसर्स अलग अलग मेमोरी मॉड्यूल पे साइमल्टेनियसली जो है डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो ट्रांसमिशन स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. हियर कंटेंशन ऑकर्स वैन ओनली वैन मोर देन वन प्रोसेसर ट्राइज टू एक्सेस द सेम मेमोरी एट द सेम टाइम. यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर एक ही प्रोसेसर जो है, मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं एक ही मेमोरी को एक्सेस करेंगे सेम टाइम पे, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी या कंटेंशन हो जाएगा. इन फिगर स्मॉल स्क्वायर इन ईच क्रॉस पॉइंट रिप्रेजेंट अ स्विच दैट डिटरमाइंस द पाथ फ्रॉम अ प्रोसेसर टू ए मेमोरी मॉड्यूल. तो ये फिगर में ये जो पॉइंट्स यूज किए गए हैं, क्रॉस पॉइंट्स, ये क्रॉसबार स्विचेस हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि प्रोसेसर को किसी मेमोरी मॉड्यूल से किस पाथ से जाके एक्सेस करवाना. जैसे सीपीयू वन को मेमोरी मॉड्यूल वन से कम्युनिकेट करवाना है, तो इस पाथ को सिलेक्ट करेगा क्रॉसबार स्विच. ठीक है, अगर सपोज सीपीयू टू को मेमोरी मॉड्यूल टू से कम्युनिकेट करवाना है, तो किस पाथ से इसको कनेक्ट करना है इस मेमोरी मॉड्यूल से, ये कौन डिटरमाइन करता है, हमारा क्रॉसबार स्विच. एडवांटेज क्या है, सपोर्ट साइमल्टेनियस ट्रांसफर्स फ्रॉम ऑल मेमोरी मॉड्यूल्स. ठीक है, साइमल्टेनियसली मेमोरी मॉड्यूल से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है. डिसएडवांटेज क्या है, दी हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस स्विच कैन बिकम क्वाइट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स. एन स्क्वायर क्रॉस पॉइंट्स टू कनेक्ट एम प्रोसेसर्स टू एन मेमोरीज. तो हार्डवेयर जो रिक्वायर्ड होगा इस स्विच कनेक्शन को, इस क्रॉसबार कनेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये कॉम्प्लेक्स भी होगा और लार्ज भी होगा, क्योंकि यहाँ पर एन स्क्वायर क्रॉस पॉइंट्स होंगी एम प्रोसेसर्स को एन मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए.